हाय गाइस, बात करते हैं फिन निफ्टी की। कल का क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा? कल एक्सपायरी है तो सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज क्या हुआ दिन के अंदर। ठीक है, आज हाईली वॉलेटाइल डे था। हम गैप अप खुलते हैं, गैप अप खुल के कंसिस्टेंट सेलिंग आती है मार्केट के अंदर, कहीं पे सपोर्ट नहीं। ठीक है, फिर अराउंड 19,380-350 के आसपास एक बेस बनाते हैं हम, और पहली रैली आती है। वो रैली सडन सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद फिर से सेम एरिया के आसपास लगभग लगभग बेस बनता है और फिर से हम बैक टू दैट 19,400 वाला लेवल। तो जो आज का दिन था ना, वो एकदम अजीब सा दिन था। इस वॉलेटिलिटी को संभालना बहुत मुश्किल था आज के हिसाब से, क्योंकि आप शॉर्ट थे। अगर आप शॉर्ट थे तो यहां पर आपको मार्केट ने खा लिया, और अगर आपने यहां शॉर्ट करा तो यहां पर आप पकड़े गए। वहीं पर अगर आपने लॉन्ग करा था तो आप कहीं पर टिक ही नहीं पाए। ठीक है, तो अब अगर मैं कल की बात करूं कि कल क्या प्लान रहेगा आज का देखने के बाद, तो हम सबसे पहले तो चले जाते हैं आवरली के अंदर। ठीक है, और एक बार जरा प्राइसिंग देख लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर है 19,500 के आसपास। एटीएम स्ट्रैडल जो है अभी 19,400 की, 93 के आसपास। तो जो प्रीमियम हमारे को मिल रहा है ना, अपडेट कर लेता हूँ, मेरे को लग रहा है डेट एटीएम 19,450 इज अबाउट 81,80, 90 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे को लगभग लगभग हर बार सेम का सेम प्रीमियम मिल रहा है। अब जो बात आती है सपोर्ट की, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एरिया जो है ना बाइंग के, यहाँ पे हर बार बाइंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से एक बार सेल ऑफ हुआ था, बट वापस से यहीं पर ब्रेकआउट आया था, यहीं पर दोबारा टेस्ट हुआ है। तो मैं 350 पे कल नजर रखूंगा, 350 की पुट्स के ऊपर। और रही बात सेलिंग की, तो सेलिंग का एरिया मेरे पास बहुत सिंपल सा 19,528। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के लेना, तो मेरा प्लान कुछ इस तरह है। मार्केट के अंदर तीन ही चीजें होती हैं, या तो मार्केट गैप अप खुल जाती है, या गैप डाउन खुलती है, या फ्लैट खुलती है। अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, दैट इज 19,361, ठीक है, तो मैं बेरिश टू साइडवेज ट्रेड बनाऊंगा। बट फॉर एग्जाम्पल हम कल फ्लैट खुलते हैं, फ्लैट खुलने में मेरी रेंज यही रहेगी 19,530 से 19,360। और अगर मैं गैप अप खुलता हूँ, गैप अप खुल के मैं वेट करना चाहूंगा, देखूंगा शुरू में पहले प्राइस एक्शन का विनर कौन होता है। अगर प्राइस एक्शन में मान लो बायर जीतता है सुबह सुबह, तो मैं बुलिश टू साइडवेज ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, 19,350 तो सॉलिड सपोर्ट मान लूंगा उसके बाद में। बट इन जनरल मेरा कल के लिए व्यू बुलिश टू साइडवेज ही है, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट पे भी आएंगे ना, तो अब देखो ये मैसिव सेलिंग आने के बाद इस दिन, जिस दिन एक ब्रेकडाउन आया था, उसके बाद वापस से हम एक बुलिश मूव दे चुके हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल हम एक और बुलिश टू साइडवेज डे दें, या फिर कल हम एक छोटा सा बुलिश डे दे दें, बट उसके लिए ओपनिंग पे डिपेंड करता है, और ओपनिंग का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर मैं थोड़ी सी ओआई देखने जाऊं, तो एक बार नजर घुमा लेते हैं ओआई पे कि कौन सी ओआई डोमिनेट कर रही है ज्यादा। फिन निफ्टी वीकली, कॉल्स, ठीक है, कॉल्स डोमिनेट कर रही है पुट्स के ऊपर, तो कोई खास अच्छा साइन नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोस के अंदर शॉर्ट कवरिंग आना थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है, बट देखते हैं। देखो जो फंसने वाला एरिया है ना, वो हो सकता है 19,500। जैसे मेरे पास एक ट्रेड पड़ा है ये वाला, ठीक है, दिस इज, मैंने नेकेड पुट, नेकेड डायरेक्शनल स्ट्रैडल बेची थी, उसके बाद हेजेस बाय करे और इस हेज को मैं अंदर ले आया, तो मेरी अपसाइड फ्री है। नीचे 1,000 रुपये का रिस्क है, 6,000 का छोटा सा ट्रेड लिया था एकदम, और ये कुछ इस तरह पड़ा है। अब इसमें क्या है, जो मैंने फंसने वाला एरिया बनाया 19,500। 19,500 क्यों है फंसने वाला एरिया? जो 19,500 का एरिया है ना, वो एक बेसिक राउंड नंबर है। ठीक है, राउंड नंबर पे मार्केट जाके थोड़ा सा फंस जाती है, क्योंकि वहां पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रैडल्स बिल्डअप होती हैं। तो हो सकता है कल मार्केट 19,500 के आसपास अटके, और अगर हम गैप अप खुलकर, मानो हम गैप अप खुलते हैं और बाइंग देखने को मिलती है 19,522, टूटता है, तो अगली रेजिस्टेंस सीधा मेरे को 650-600 दिख रही है, उससे पहले कहीं पे मेरे हिसाब से स्टॉप नहीं है। तो मैं कल के लिए, जब तक हम 350 के ऊपर हैं, पुट्स को 350 पे रखना चाहूंगा। कॉल्स की साइड थोड़ा सा लाइट रह सकता हूँ, और पुट्स की साइड स्लाइटली अग्रेसिव रह सकता हूँ अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है। तो मेरा व्यू क्या है, बुलिश टू साइडवेज। बट अगर ओपन के बाद सेलिंग आ जाती है, तो फिर मैं अपना व्यू फटाफट चेंज कर दूंगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर आप कभी भी एक चीज पर रिजिट नहीं हो सकते कि मैंने ये व्यू बना लिया तो ऐसी ही चलेगी जी मार्केट। ठीक है, ये छोटी सी प्लान था मेरा कल के लिए, और देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।